हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक तरफ चीन भारत से लगी सीमा पर तनाव लगातार बढ़ाए हुए है, उधर पाकिस्तान क्या कर रहे हैं जानते हैं? अलग ही खेल खेल रहा है। इसीलिए तो हम बार बार याद दिला रहे हैं कि हम सीमा पर हैं, तुम सीमा में रहो। जम्मू कश्मीर में आतंक को फाइनेंस करने के लिए अब पाकिस्तान ने ड्रग्स डीलर्स को झोंक दिया। देखिए, ड्रग डीलर्स के जरिए, आतंकवाद के जरिए, आतंकवादियों के जरिए वायरस भेजने के जरिए 500 फ्रंट पर पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है। इस पर सबसे नया खुलासा ये है कि हंदवाड़ा में जहां पाकिस्तान के नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। टेबल पर नोटों का अंबार लगा है, साथ में है नोट गिनने की मशीन और कई डेबिट कार्ड और हेरोइन के कई पैकेट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान अब ड्रग्स डीलरों की मदद ले रहा है। इसका भंडाफोड़ हुआ हंदवाड़ा में लश्करे तैयबा के लिए 3 स्थानीय मददगारों की गिरफ्तारी के बाद, जिनसे पुलिस ने ये बड़ा जखीरा बरामद किया। जो बरामदगी हुई है उसमें शामिल है 21 किलो हेरोइन, जिसकी बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1,34,00,000 रुपए के भारतीय नोट। इस तरह पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नार्कोटिक्स टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स के धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। आज ये ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट के बीच में संबंध एक्सपोज हो गया। इट्स ए वेरी बिग हवाला रैकेट वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद की कमर तोड़ देने के बाद पाकिस्तान अब टेरर को पालने पोसने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। ड्रग्स डीलरों और टेरर का ये नापाक गठबंधन उसी का एक हिस्सा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।